सब्सक्राइब करने के बाद घंटा बजाएं ताकि आप दूसरा अपडेट घंटा भी मिस ना कर पाएं। हेलो गाइस, फिर एक नई वीडियो के साथ आपके लिए हाजिर हूँ। आज का जो टॉपिक है वो चेहरे के ऊपर दाग धब्बे निशान उनके लिए हैं। काफ़ी दिनों से कमेंट आ रही थी तो वीडियो नहीं बन पाई थी, लॉकडाउन में जो है टाइम नहीं मिल पाया था, काम क्लिनिक पे जो है बैठना पड़ रहा था इसलिए टाइम नहीं मिल गया था। तो गाइस, अगर किसी के भी चेहरे पर झाइयाँ हैं या दाग हैं, पिंपल्स मुहासे जिन्हें बोलते हैं, उन वो हैं पिंपल्स हैं, और बहुत लोग ऐसा होता है जो दाग धब पिंपल्स हो जाते हैं, मुहासे हो जाते हैं, उन्हें फोड़ देते हैं, उनके बाद जो धब्बे बन जाते हैं उन वो भी हैं, तो उनके लिए भी बहुत ही कारगर नुस्खा है। और एक बात ध्यान रहे, कोई भी लड़का है या लड़की, अगर मुहासे बन जाए तो उन्हें फोड़े नहीं, फोड़ने से ज़्यादा वो बनते हैं, उसका उपयोग करें, मेडिसिन का उपयोग करें, देसी दवाइयों का उपयोग करें ताकि उन्हें बैठाएं, फोड़े नहीं, फोड़ने से ज़्यादा बनते हैं। तो या जले का निशान हो, कटे का निशान हो, उसके लिए बहुत ही कारगर नुस्खा है। तो गाइस, वीडियो ज़्यादा लंबी ना देरी करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। और एक और बात, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को यूज़ करें। और कितना फ़ायदा पहुंचाती है ये हमारी नुस्खा, कितना फ़ायदा पहुंचाता है इसका हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, और वीडियो कैसी लगी उसको लिख के बताएं। और गाइस, ये आपको नाइट में सोते वक्त इसका उपयोग करना है या सुबह को 10 बजे तक इसका उपयोग करना है। और गाइस, इसका उपयोग ही दोपहर में नहीं करना है। तो चलिए देरी ना करते हुए मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से इसका उपयोग करना है, कैसे कैसे आपको इसका कितना कितना आपको इसकी सामग्री लेनी है और किस तरीके से इसको आपको यूज़ करना है। तो नंबर वन पर जो है आपको ये दिख रहा है, एक चम्मच आपको एक दिन एक टाइम का बताऊँगा मैं आपको गाइस, एक टाइम का आप उसका जो है ज़्यादा अपने आप कर सकते हैं अपने हिसाब से, या रोज़ ही बना सकते हैं इसको, रोज़ ही बना के यूज कर सकते हैं। तो ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इसका नाम है बेसन। आपको एक चम्मच बेसन लेना है, प्योर, मिलावटी नहीं हो। और उसके बाद आपको एलोवेरा जेल लेना है। आप एलोवेरा, ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये वाला ले लें, एक चम्मच नहीं सॉरी आधा चम्मच, आपको याद रहे आधा चम्मच लेना है, ये आधा चम्मच आपको एलोवेरा लेना है। एलोवेरा आपको मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा, वो भी यूज़ कर सकते हैं आप, या ये वाला आपके घर में हो तो ये वाला यूज़ कर सकते हैं। और नंबर तीन पर जो है आपको आपको लेना है पानी, वाटर, पानी आपको 2 चम्मच पानी लेना है। अब आपको इन तीनों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना, अच्छी तरीके से चला लेना है। उसके बाद आपको आधा थोड़ा सा अदरक लेना है, आधा अदरक लें, थोड़ा सा अदरक लें और उस पर लगा लें, उस पर काटने के बाद जैसे ये कटा हुआ दिख रहा है आपको, इस तरीके से कटा हुआ हो, और उस पर इसका आपके जो मिक्सर है इसको लगा लें, और अपना चेहरा, आपका चेहरा धुला हुआ हो साफ साफ करने के बाद सूती कपड़े से उस अदरक पे लगा कर उसे अपने चेहरे पर रगड़ लें। कुछ टाइम तक रगड़ने के बाद 15-20 मिनट तक छोड़ दें, और उसके बाद आप हल्के सूती कपड़े से अपने चेहरे पर उसको, चेहरे पे कपड़े को मले ताकि उसकी जो ये सारी परत हट जाए, और ताज़ा ठंडे पानी से आप अपने चेहरे को धो लें। चेहरे को धोने के बाद इंशाल्लाह आपको कुछ पहले ही दिन से आपको असर दिखने लगेगा, कितना फ़ायदा पहुंच रहा है आपको दिखने लगेगा। तो अदरक पर लेकर आपको इसे अदरक पर लेना मिक्सर को, और अपने चेहरे पर रगड़ना अदरक से, जिसे अदरक को जिंजर भी बोलते हैं, जिंजर दूसरा नाम हिंदी में से अदरक बोलते हैं। तो गाइस, इसको आपको यूज़ करना है इसी तरीके से। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें।